देखो पवित्र छठ पूजा पई चलचंचल कुआखाई पीठ भुवनेश्वर कुआखाई पीठ से आपको चित्र देखा चाहिए कौली भाव में श्रद्धालु माने एकत्रित होती छठ पूजा को पालन करने जहाँ रीति नियम रही विशेष भाव में गत काली से अस्तगामी सूर्य को निजर अर्पण व अर्घ्य प्रदान करते आज जिते बड़े सूर्योदय समय होने एकाठी होती एकाठी हो से सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने देखुं छठ पर्व एक तो मानने परिवार के लिए किया जाता है, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए जबरदस्त मन रोग दूर होता है, जैसे मनोकामना सब पूर्ण होती है, इसका यही नियम है पालन। एटा गोटे एमती पर्व माने आपण आस्था ठीक अछि सेमती किछि नाही, एडा बहुत कष्ट भी करिबा आ तरे करि गले आपण से कष्टडा जणा पड़िबोनी बुझि पारले, सेटा को कहंती कि छठमा सब जिनसो माफ कर दियंती। छठमा जो है हम लोग के वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्री हैं और हम लोग उनका उपासना करते हैं, यहाँ सूर्य भगवान का हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम लोग का ये निर्जरा व्रत होता है जिसमें हम लोग विदाउट वाटर विदाउट फूड फास्टिंग रखते हैं, ऑलमोस्ट 36 आवर का फास्टिंग रहता है। ये जो छठी माँ है वो सबको जो आप मन्नत मांगो जो आप व्रत करो सब सुख शांति घर में सब कुछ कृपा प्रदान करते हैं। सूर्य देवता को भी आप अर्पण करते हैं? सूर्य जो छठ माँ है वो सूर्य भगवान की बहन है, तो सूर्य भगवान साक्षात सूर्य भगवान है और हमेशा आप देखे होंगे कि सब उगते हुए सूर्य का पूजा करता, मतलब जो सक्सेसफुल होता है। बट बिहार का कल्चर है हम डूबते हुए सूर्य का भी पूजा करते हैं, मतलब अगर कोई बंदा पीछे छूट रहा उसको भी हम लोग ऊपर अपलिफ्ट करते हैं, तो डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य दोनों भगवान का हम लोग पूजा करते हैं। मानसिक धारी रही से अर्घ्य अर्पण समय आप देखुं ये परिवार समाज सुख मनासी शुभ मनासी से अर्घ्य अर्पण करसंत प्रगति गोल्ड मिल्क संपूर्ण उन्नत मानर दुग्ध।